हेलो दोस्तों, मैं सूर्य सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों आप पढ़ोगे, पीछे भी आपने चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुका है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो अपलोड है पूरा मौर्य वंश के बारे में, आप देख लीजिएगा। तो एक चर्चा आपसे करनी है कि एक महान सम्राट, मैंने देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, तो एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्यों महान था? आप सोचिए कि एक साधारण आदमी था और एक जो है अपने गुरु चाणक्य के सानिध्य में आकर के उनसे शिक्षा लेकर के एक महान उस समय के ताकतवर मगध के साम्राज्य धनानंद को परास्त किया और जो है मगध को उस पे शासन किया। तो देखिए, एक तो ये है कि एक साधारण आदमी जो है कैसे आपका मगध का साम्राज्य बनता है, और देखिए एक चरण और है कि एक उच्च जो है चरण पे पहुंचाइए अपने सम्राट के पद पे, इतने बड़े पद पे पहुंचा, उसके बाद उसको त्याग कर दिया, उसको अपने पुत्र को दे करके ये जो है जाता है और सब कुछ छोड़ करके सन्यास ले लेता है और जाकर के श्रवण बेलगोला में जो है अपना अपने आप को खत्म कर लेता है संलेखना विधि से। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि इसने जैन धर्म को अपनाया था और संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि आज के समय में आप कितने लोगों को परेशान है, वो कैसे जो है कितना वो पैसा कमा लें, कितना वो कर लें, और जब कमा लेते हैं तो उसको पकड़ के बैठे हैं कि हम इसका पूरा उपभोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि महान सम्राट मैंने यहाँ पे लिखा, क्यों लिखा कि देखिए एक साधारण आदमी कैसे जो है अपना एक साधारण व्यक्ति से सम्राट बनता है और सब कुछ त्याग करके अपना जो है जंगल में चला जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये महान सम्राट मैंने लिखा है और कैसे अपने बुद्धि, अपने विवेक और गुरु के आशीर्वाद से ये जो है सत्ता को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक चीज और है कि आपको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।